Good morning students, I hope you all are healthy and healthy. So today I am going to explain you book exercise of previous chapter, okay? So open your book and start with me, okay? Students, यहाँ पर कुछ new words दिए हैं, clear? ये new words दिखाई दे रहे हैं आपको? Students, आपको अपनी fair copy में, English CW copy में इन new words को लिखना है. ओके मैं आपको बताती हूँ कैसे. स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉपी में ये आपको 15 को ये वीडियो मिल रहा है तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, लेसन लिखना है, फिर लेसन का नेम लिखना है, न्यू वर्ड्स, और ये वर्ड्स को मैं आपको सेंड करूँगी इस पिक को. आपको ऐसे कैसे अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, क्लियर? और जैसा आप चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए करेंगे सेम वही चीज़ आपको नेक्स्ट अदर चैप्टर्स के लिए भी ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग जितने भी रहेंगे, न्यू वर्ड्स रहेंगे, उनके मीनिंग्स रहेंगे, वो एक पेज पर लिखना है. नेक्स्ट पेज पर आपको इसी तरीके से गुड हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन कॉपी बनानी है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज ट्यून. ट्यून क्या होता है? एक म्यूजिकल साउंड होता है. बर्ब्स स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे जानवर होते हैं. फ्लूट क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. ऑर्गेन वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. अलोन नॉट विथ एनीवन, जो किसी के साथ नहीं होता है वो क्या होता है? अलोन होता है, अकेला होता है. तबला क्या है स्टूडेंट? अ पेयर ऑफ स्मॉल डिफरेंट साइज्ड हैंड ड्रम्स, एक पैर है, मतलब एक जोड़े में अलग डिफरेंट साइज के हैंड वाले जो रहते हैं ना ड्रम्स, वो है तबला. तबला का पिक्चर आपको मैं शो करती हूँ. स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? तबला. ओके सो स्टूडेंट फर्स्ट पे कौन सा है ये डायग्राम, किस चीज़ का है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? वायलिन. सेकेंड पर ड्रम्स. थर्ड पर तबला. फोर्थ पे फ्लूट. अब स्टूडेंट्स विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वुड यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना पसंद है आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं. नेक्स्ट पेज पर आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ओके थैंक यू. नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम सॉल्व करेंगे इसे, आप भी मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे. चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमको सही वाले ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट इज देयर आर डैश इन द गार्डन, स्टूडेंट्स वहाँ पर गार्डन में कौन है? बर्ड्स है क्या? नो. रैबिट्स है क्या? नो. बग्स है क्या? यस. वहाँ पर कौन है गार्डन में? बग्स है, तो हम बग्स पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे. इस तरीके से टिक कर दीजिए. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 11. दे आर प्लेइंग, अब जो बग्स है गार्डन में वो क्या प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट इज फुटबॉल, सेकेंड इज म्यूजिक, थर्ड इज टैग. क्या वो फुटबॉल के साथ प्लेइंग कर रहे हैं? नो. क्या वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं? यस. तो हमने म्यूजिक पर टिक कर दिया. नेक्स्ट लेडी बग प्लेज द, स्टूडेंट्स लेडी बग क्या प्ले कर रही थी? लेडी बग ऑर्गेन प्ले कर रही थी क्या? नहीं, ऑर्गेन तो ग्रास होपर प्ले कर रहा था. वायलिन कौन प्ले कर रहा था स्टूडेंट? वायलिन तो बटरफ्लाई प्ले कर रही थी. तो स्टूडेंट लेडी बग क्या प्ले कर रही थी? तबला. तो हमने क्या कर दिया? तबले पर टिक. ग्रास हॉपर प्लेज द, ग्रास हॉपर क्या प्ले कर रहा था स्टूडेंट? ऑर्गेन. तो हमने इस पर टिक कर दिया. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू, मतलब हमको टी लिखना है अगर ट्रू है तो, और फॉल्स फॉर F for false statements, और कोई statement अगर wrong है, false है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? F. First, the bugs are inside a house. क्या bugs
कि कहाँ पर है, घर के अंदर है क्या? नो, वो तो कहाँ है, कहाँ है स्टूडेंट्स, गार्डन में है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फॉल्स। नेक्स्ट, बैटल प्लेज द तबला। बैटल क्या तबला प्ले कर रहा है? नो, बैटल क्या प्ले कर रहा है, बैटल तो ड्रम प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रास हॉपर इज डांसिंग। क्या ग्रास हॉपर डांस कर रहा है? यस, ग्रास हॉपर तो डांस कर रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, ट्रू। नेक्स्ट, अदर बटरफ्लाइज आर प्लेइंग द वायलिन। अदर बटरफ्लाइज क्या वायलिन प्ले कर रही है? नो, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने, फॉल्स लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है, क्लियर? ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जैसे कि आपने ये लिखे थे ना न्यू वर्ड्स, जैसे ही पेज टर्न करेंगे तो आपको पहले ये लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्लियर? फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर वन और फिर उसका आंसर, फिर वन लाइन लीव करनी है और फिर सेकेंड क्वेश्चन और फिर सेकेंड आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, क्लियर? इसका मैं आपको फोटो शेयर करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12, स्टूडेंट्स जो 12 का सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है, इस पर आप क्रॉस कर दीजिए, क्लियर? नेक्स्ट, नाउ फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ई टू द फॉलोइंग वर्ड्स। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, उसमें ऐड करना, ऐड मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे हम, ई, और एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है? तो हम पहले क्या लिखा है, पैन। तो यहाँ पर जब हम इसको ई ऐड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, पैन। नेक्स्ट है नॉट, नॉट में जब ई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नोट, क्लियर? थर्ड है मैट, अब इसमें ई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैट। फोर्थ है कार, कार में जब ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैर। नेक्स्ट है फीन, फीन में ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइन। स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। नाउ पेज नंबर 13, स्टूडेंट्स राइट सी फॉर काउंटेबल नाउंस। सी कब लिखेंगे हम, जब काउंटेबल नाउंस होंगी, एंड यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन। और यू और सी कब लिखेंगे, जब अनकाउंटेबल नाउंस होगी। काउंटेबल नाउंस क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसे नेमिंग वर्ड्स, ऐसे नाउंस, ऐसे थिंग्स के नेम जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउंस। और अनकाउंटेबल नाउंस क्या होगी, ऐसे नाउंस जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर? फर्स्ट ब्रेड, ब्रेड को आप काउंट कर सकते हैं, यस, तो हमने क्या लिख दिया, काउंटेबल। कैरोट, कैरोट मतलब गाजर, गाजर को आप गिन सकते हैं, यस, तो आपने क्या लिख दिया, काउंटेबल। नेक्स्ट है वाटर, वाटर क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, कि कितना वाटर है, गिन सकते हैं क्या, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है ऑनियन, ऑनियंस को आप काउंट कर सकते हैं, यस, तो हमने क्या लिख दिया, सी। एप्पल्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, सी। ग्रेप्स, ग्रेप्स को भी हम, ग्रेप को भी काउंट कर सकते हैं ना, यस, 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पे क्या लिख देंगे हम, काउंटेबल, सी। नेक्स्ट राइस, स्टूडेंट्स आप क्या राइस को काउंट कर सकते हैं, एक बाउल में अगर मैंने आपको राइस दी तो आप काउंट कर पाएंगे क्या, नो, हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है बटर, बटर देखा है आपने, अमूल बटर आपने देखा होगा ना बेटा, क्या आप बटर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि बटर तो एक साथ रहता है, हम उसके पीस काउंट कर सकते हैं, पर हम बटर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल।
नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटोस को काउंट कर सकते हैं। पोटैटोस क्या होते हैं? आलू। आलू को हम काउंट कर सकते हैं, यस। तो हम क्या लिख देंगे? सी। नेक्स्ट है शुगर। स्टूडेंट्स क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते हैं शुगर को काउंट, तो हम क्या लिखेंगे? यू सी, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है बनाना। आप बनाना को काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, हम बनाना को काउंट कर सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? सी। नेक्स्ट है जूस। स्टूडेंट्स अगर जूस पड़ा है किसी जग में तो आप काउंट करके मुझे बता सकते हैं क्या? एक जूस है, दो जूस है, तीन जूस है? नहीं, हम जूस को काउंट नहीं कर सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? यू सी, मतलब अनकाउंटेबल। आई होप स्टूडेंट्स आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स क्लियर है। ऐसे नाउन्स, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स, और ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, तो हम क्या लिखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। स्टूडेंट्स ये आपको अपनी बुक में ही फील करना है, पेज नंबर 13 पर। नाउ स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पोम क्लियर है चैप्टर 1 की, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपके न्यू वर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर्स है उसके मैं आपको फोटो शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ आंसर्स के कॉपी शेयर करूँगी, क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इट मींस पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके 1, 2, 3, 4, 5, इनके आंसर्स मैं शेयर करूँगी। क्वेश्चंस आपको बुक से ही लिखने रहेंगे। क्लियर? थैंक यू।